मदद का भरोसा देकर एक निसंतान दंपत्ति ने एक बच्चे को चुरा लिया। मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने मामले की तफ्तीश कर बच्चे को आरोपी दंपत्ति के पास से बरामद कर लिया है। हरिद्वार में अपनी पत्नी की खोज में अपने 1.5 वर्षीय बच्चे विनायक के साथ आए रोहतास सिंह को एक दंपत्ति ने उनकी पत्नी को खोजने में मदद का भरोसा दिलाया और मौका देखकर उसका बच्चा चुरा ले गए। मामला पुलिस तक पहुंचा तो इस सेंसिटिव मामले में SSP हरिद्वार ने पुलिस एवं CIU की संयुक्त टीम गठित कर बच्चे की तलाश शुरू की। ऐसे में पुलिस को कामयाबी मिली और आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर चोरी किए गए बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। आरोपी दंपत्ति ने बताया कि उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने बच्चा चुराया। पुलिस टीम के इस तेज एक्शन की सभी प्रशंसा कर रहे हैं। हिल बाईपास क्षेत्र में आसपास जाने के बाद जहां भीड़ मिलने पर उन दो दंपत्ति द्वारा जिनकी पहचान सुनीता और बहादुर जोशी जो मेरठ में वर्तमान में रह रहे हैं मुरादाबाद के रहने वाले इनके रूप में हुई और पूरी टीम ने जो है तत्परता से पूरी अज्ञात लोगों की शिनाख्त करते हुए इसको बच्चे को बरामद कर लिया। बच्चा सकुशल है। साथ ही साथ पूछताछ में ये भी पता चला कि 15 साल से कोई बच्चा नहीं था और इस तरह से जब उन्होंने एक व्यक्ति को देखा कि वो तलाश कर रहा है तो बच्चे को किसी बहाने से अपनी गोद में ले लिया और भीड़ का फायदा उठाकर वो गायब हो गया। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।